हेलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण आठ पाठ सात हार की जीत त्रण वीडियो आपणे आगळ जोई गया। बे वीडियो में पाठनी चर्चा, एक वीडियो में अभ्यास प्रश्नोत्तर की चर्चा जोई गया। हवे आपणे स्वाध्याय प्रश्नोत्तर की चर्चा जोईशुं। सबसे पहले रिक्त स्थान की पूर्ति करें। खड़क सिंह ई सिलके का कुख्यात डाकू था। प्रख्यात ना आवे, कुख्यात। अपनी वस्तु कि प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। यह बात किसने किससे कही? दुर्गाधर पेक का नाम तो आपने सुना होगा, मैं उसका सोतेला भाई हूँ। यह अपाहिज ने बाबा भारती जी से कहा। लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करेंगे। यह बात बाबा भारती ने खड़क सिंह से की। एक दो वाक्यों में आप उत्तर दीजिए। खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया था? खड़क सिंह बाबा भारती का पास के पास उनके घोड़े को देखने के लिए आया था। बाबा भारती किस डर से बात से डर गए थे? बाबा भारती जब अपना घोड़ा सुल्तान को दिखाया तब खड़क सिंह ने कहा था कि यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा, इससे ही वह डर गए थे। सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने कहा कि बाबा यह घोड़ा मैं अब आपको नहीं दूंगा। बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? तो बाबा भारती सुबह सबसे पहले गांव से बाहर छोटे से मंदिर में रहते थे और प्रभु भजन करते थे। उन्होंने अपने घोड़े एक घोड़ा पाला था जो जिससे सुल्तान का कर्म करते थे। वह अपने भजन से जो समय बचता था वह घोड़े की सेवा में लगाते थे, उसके हाथ से खर हरा करते थे, उसे दाना खिलाते थे। संध्या के समय सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार वह अपना समय बिताते थे। बाबा भारती को देख किसका डर लगने लगा? क्यों? खड़क सिंह जब बाबा भारती के पास उसका घोड़ा सुल्तान को देखने को आए तो ऐसा बाका घोड़ा देखकर खड़क सिंह ने कहा कि अब मैं आपको इस आपके पास नहीं रहने दूंगा। यह सुनकर वो डाकू था और वो जो अपनी उसको पसंद आता था वह उस पर अपना अधिकार समझता था और इसीलिए बाबा भारती को खड़क सिंह से डर लगने लगा। खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया? एक दिन संध्या के समय जब बाबा भारती सुल्तान को उस पर सवार होकर निकले थे तब रास्ते में अपाहिज की करुणा भरी आवाज़ उन्होंने सुनी। बाबा भारती ने घोड़े पर से रामबावाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की और बाबा भारती ने उन्हें घोड़े पर बिठा दिया और उस थोड़े देर बाद उस अपाहिज ने साधु के हाथ से लगाम छीन ली और वह डाकू और कोई अरे वो अपाहिज और कोई नहीं था, वह डाकू खड़क सिंह था। घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने कैसा बर्ताव किया? घोड़े को वापस देखकर बाबा भारती का खुशी का ठिकाना न रहा। वह उन्हें लिपट कर रोने लगे जैसे अपना खोया हुआ बेटा है वापस पाया हो। बार बार उसके पीठ पर हाथ फेरने लगे, मुंह पर थपकियां देने लगे और इस तरह से उन्होंने कहा कि आप कोई किसी गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। जब कोई पिता अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिलता है इस तरह वह मिले। बाबा भारती की महानता। बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था। वह उनका हृदय दीन दुखियों के लिए प्रति हमेशा करुणा सबर रहता था। उनको अपना घोड़ा बहुत ही पसंद था लेकिन जब खड़क सिंह ने अपाहिज बनकर उनका घोड़ा हथिया लिया तब उन्होंने अपने घोड़े की बजाय लोगों की परवाह करके कहा कि यह बात तुम किसी के सामने प्रकट न करना वरना कोई किसी की मदद नहीं करेंगे। इसी तरह अपने घोड़े से अपने पुत्र से भी अधिक चाहते हुए भी उन्होंने लोगों के बारे में सोचा और इस तरह वह सचमुच में एक महान संत थे। शब्द की पहेली पूर्ण कीजिए। जो हम अगर न्यूज़पेपर में भी यह कई बार हम पढ़ते हैं यह इस तरह से इच्छा, पहले सबसे पहले अधीर अभिलाषा, अधीर प्रयोजन प्रशंसा, सहसा सच, करुणा गगन ने धुणा,
આ પ્રમાણે આખી ગોઠવવાની છે. અબ વિલોમ શબ્દ લિખકર હમે વાક્યમાં પ્રયોગ કરને હે. સુંદર કુરૂપ અસુંદર ભી કહ સકતે હૈ. હમે ઉનકે અર્થ કા વાક્ય પ્રયોગ કરના હૈ. કુરૂપ ઉનકે મુંહ કી કુરૂપતા ઉનકે હૃદય કી સુંદર સગા કે આગે કુછ નહીં થી. જમીન આસમાન આસમાન મેં તારે ચમક રહે થે. સંધ્યા સંધ્યા તો ઉષા ઉષા કી લાલિમા દર્શનીય થી. ગરીબ અમીર ઉસ અમીરને કઈ મદદ કી. વિશ્વાસ અવિશ્વાસ સભી પર અમે કભી અવિશ્વાસ નહીં રખના ચાહીએ. ઉપસર્ગ પ્રતિદિન નિર્મૂલ નિર્જલ નિરાધાર પ્રતિકૂલ નિર્દોષ. અબ અમે પ્રત્યય લગાને મુખ મૌખિક ભૂત ભૌતિક સમાજ સામાજિક મનુષ્ય મનુષ્યત્વ મમ મમત્વ સમ સમત્વ. વિશેષણ અમે પહેચાનને હૈ. સબસે પહેલે ખડક સી ઇસ ઇલાકે કા કુખ્યાત ડાકુ થા તો કુખ્યાત કુખ્યાત આદમી સે હમે લોગ ડરતે હૈ. કહેતે હૈ કે દેખને મે ભી બડા સુંદર થા. તો સુંદર તો સુલતાન બડા હી સુંદર થા એસા. પરંતુ એસા બાઘા ઘોડા કિસકી આંખો મેં કભી ન ગુજરા થા. તો બાંકા તો સુલતાન બાંકા ઘોડા થા. બાબા પાર્થિને ઠંડે જલસે સ્નાન કિયા તો ઠંડે. ગંગા નદી કા પાણી ઠંડા થા. અપને પ્યારે ઘોડે સે લિપટ કર રોને લગે. પ્યારે માં કો અપના બેટા હમેશા પ્યારા લગતા હૈ. પ્રસિદ્ધ બાબા ભારતીજી પ્રસિદ્ધ સાધુ થે તો પ્રસિદ્ધ. મહાત્મા બાબા ભારતી બડે પ્રસિદ્ધ સાધુ થે. તો ઇસ તરહ સે સ્વધ્યાય પ્રશ્નોત્તર કી ચર્ચા યહાં પૂર્ણ હુઈ. અગલે પાઠ કી ચર્ચા હમ આગે વિડિયો મેં દેખેંગે. આભાર.